गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत हम एक सुविचार से करते हैं। ये देखिए आज का सुविचार, जो मिला उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। देखिए बच्चों, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। अब आप आज का काम करने के लिए रेडी हो जाइए। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक का लेसन नंबर 3 समझेंगे। लेसन 3 का नाम है वर्णों की माला और ये आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर दिया गया है। इसमें हम वर्णों यानी अक्षरों के बारे में समझेंगे और सभी स्वरों की मात्राओं के बारे में जानेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम इस पेज पर दी हुई एक चित्र कथा पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। हम चित्र कथा पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ये चित्र ध्यान से, इसमें कुछ बच्चे अपने दादाजी के साथ बैठे हैं और दादाजी उनसे बातें कर रहे हैं। देखिए दादाजी उन्हें क्या कहते हैं, बच्चों चलो वर्णों की माला बनाते हैं। तो बच्चे कहते हैं, वर्णों की माला यह कैसे बनाते हैं दादू? देखिए इसमें दादाजी बच्चों को वर्णों की माला बनाने के लिए कह रहे हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं स्वर और व्यंजन, जैसा हमने लेसन 2 में पढ़ा था। तो ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, वर्ण। और दादाजी बच्चों को उनसे माला बनाने के लिए कह रहे हैं। अगला चित्र देखिए, जब बच्चे दादाजी से पूछते हैं कि वर्णों की माला कैसे बनाते हैं, तो दादाजी उन्हें समझाते हैं, तुम सब अपने अपने नाम का पहला वर्ण सोच लो, उसमें री को छोड़कर सभी स्वरों के चिन्ह लगा कर लिखो। जैसे एक बच्चा कहता है, मेरा नाम तरुण है, तो पहला वर्ण त हुआ। हमारे नाम हर्षिता और कनिका हैं। देखिए वर्णों की माला बनाने के लिए क्या करना होता है, हम अपने नाम का पहला अक्षर सोचते हैं और उसके साथ सभी मात्राओं के चिन्ह लगाते हैं और इस तरह हम वर्णों की माला बना सकते हैं। तो मैं आपको वर्णों की माला बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सभी स्वर और उनकी मात्राओं की एक एक्टिविटी करवाऊंगी। आप अपनी नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए। अब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आ और आ की मात्रा से एक शब्द बनाते हैं हम, कागज। अब आप भी आ की मात्रा से अन्य शब्द बनाइए। आ के बाद है छोटी ई, ई ई की मात्रा हम इस तरह लगाते हैं और इससे बना शब्द है गिलास, गिलास। आप भी इससे दो शब्द और बनाइए, बड़ी ई। ये देखिए ये बड़ी की मात्रा है और इससे बना शब्द है खीरा। देखो छोटी की मात्रा को हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं और बड़ी की मात्रा को लंबा, जैसे गिलास और इसको हम बोलेंगे खीरा। इसी तरह आप देखिए छोटा ओ, इस स्वर की मात्रा का चिन्ह इस तरह होता है और इससे शब्द बना है गुलाब। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह लगाते हैं हम और शब्द है सूरज। री, री की मात्रा ये किसी व्यंजन के नीचे लगती है। देखिए इससे शब्द हमने क्या बनाया है, मृग, म री ग, मृग। ए, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है और इससे बना शब्द है सेब।
आई, आई की मात्रा, इससे बना शब्द कैलाश। ओ, ये देखिए ये ओ की मात्रा का चिन्ह है। मोर, आउ, आउ की मात्रा से शब्द हमने बनाया है कौवा। अंग, ये बिंदु होती है किसी व्यंजन के ऊपर, बिंदु लगाने से अंग की मात्रा बन जाती है बंदर। तो आप भी इन मात्राओं से एक एक शब्द और बनाइए। आइए अब हम वर्णों की माला बनाते हैं। जैसे इसमें पहला स्वर दिया हुआ है त, अब हम त के साथ सभी मात्राओं के चिन्ह लगाएंगे। देखिए मैंने तरुण के त के साथ वर्णों की माला बनाई है। सबसे पहले आ की मात्रा होती है तो हम त के साथ आ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद छोटी की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद त के साथ छोटे ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ और औ। इस तरह आप भी कोई भी वर्ण लीजिए और उसके साथ वर्णों की माला बनाइए। अब आपने हा और क वर्ण के साथ सभी मात्राएं लगानी हैं और इस माला को पूरा करना है। तो इस तरह बच्चों आपने देखा व्यंजन के साथ जब स्वर मिल गए तो उनका रूप बदल गया और वह मात्रा रूप में आ गया। तो अभी हमने सभी मात्राओं के बारे में सीखा। अब हम शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करना सीखते हैं। इसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद, यानी हर एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना। तो देखिए सबसे पहले कौन सा अक्षर दिया हुआ है, पहला स्वर है अ। देखिए अगर हम ग व्यंजन के साथ अ मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, ग। ये देखिए पूरा ग, अ मिलाने से ही कोई व्यंजन पूरा होता है। और ग से कौन सा शब्द बना, गला। अब हम इसमें आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। सबसे पहले देखिए ग, जैसा भी हमने पढ़ा ग हलंत प्लस अ और ला, तो ल के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है, बड़ा आ, आ। तो ल हलंत के साथ अगर हम अ मिलाएंगे तो वो मात्रा रूप में आता है, तो क्या बन गया, गला। नेक्स्ट देखिए आ, आ की मात्रा। अब देखिए इससे हमने शब्द बनाया है गाजर, तो गाजर में कौन कौन से वर्ण आए हैं, ग हलंत प्लस आ, गा, फिर ज हलंत प्लस अ और र हलंत प्लस अ, क्या बन गया ये, गाजर। अगला शब्द देखिए ग हलंत प्लस ई, ग के साथ छोटी ई मिलाने से हम एक नया शब्द बनाते हैं गिलास। अब इसमें आए सभी वर्णों को अलग करके लिखते हैं। सबसे पहले ग में छोटी की मात्रा, तो ग हलंत प्लस ई, फिर ल हलंत प्लस आ क्योंकि इसके साथ आ की मात्रा लगी है, फिर स हलंत प्लस अ क्योंकि स के साथ कोई मात्रा नहीं लगी हो। नेक्स्ट ग में बड़ी ई की मात्रा, घी, इससे शब्द हमने बनाया है गीत। तो इसमें देखे वर्ण कौन कौन से आए हैं, ग हलंत प्लस बड़ी ई, त हलंत प्लस अ, गीत। आगे देखिए ग में छोटे ऊ की मात्रा, इससे हमने शब्द बनाया है गुलाब, ग हलंत प्लस ऊ, ल हलंत प्लस आ, ब हलंत प्लस अ, गुलाब। आगे देखिए ग के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाने से शब्द बना है गूलर, ग हलंत प्लस बड़ा ऊ, ल हलंत प्लस अ, र हलंत प्लस अ, गूलर। आगे है ग के साथ अगर हम ग्री की मात्रा लगाएंगे तो कौन सा शब्द बना, ग्रीही, ग हलंत प्लस री, ह हलंत प्लस अ, गृह। गृही का मतलब होता है घर।
आगे देखिए ग के साथ ए की मात्रा, गेट, ग हलन प्लस ए, ट हलन प्लस अ, गेट। आगे है ग के साथ आई की मात्रा, गैस, ग हलन प्लस आई, स हलन प्लस अ, गैस। आगे ग में ओ की मात्रा लगाने से हमने शब्द बनाया है गोटी, ग हलन प्लस ओ, ट हलन प्लस बड़ी ई, गोटी। अब देखिए ग में औ की मात्रा गौरी, ग हलंत प्लस ओ, र हलंत प्लस ई, गौरी। इस तरह आप भी कोई भी दो शब्द लिखिए और उसमें आए सभी व्यंजनों को अलग अलग करके देखिए। अब हम पेज नंबर 13 की रीडिंग करेंगे। देखिए इसमें पहली लाइन है, प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है। जब व्यंजन के साथ मात्रा लग जाती है तो अ स्वर नहीं लगता। जैसे अभी हमने ये सारे वर्ण विच्छेद पढ़े हैं तो हमें पता चला कि सभी व्यंजन के साथ अ जुड़ा है, और अगर हम कोई दूसरा स्वर लगाते हैं तो उसकी मात्रा लग जाती है। व्यंजन के साथ जब अन्य स्वर जुड़ते हैं तो वे मात्रा रूप में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन के साथ जब मात्रा जुड़ जाती है तब वह उसके साथ ही बोली जाती है। जैसे अगर हम थ हलन प्लस ई लिखते हैं तो थ के साथ बड़ी ई की मात्रा लगेगी, थी, थ ई, थई नहीं। जैसे अभी हमने वर्ण विच्छेद में यही सीखा था कि जब व्यंजन के साथ स्वर लगता है तो उसकी मात्रा बन जाती है। जैसे ग हलन प्लस ए, इसे हम क्या लिखेंगे, गे, ग ए गए नहीं लिखेंगे। इस तरह बच्चों अभी हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा और हम समझ गए कि जब व्यंजन के साथ स्वर मिल जाएं तो उसका रूप बदल जाता है और वह मात्रा रूप में आ जाता है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है। व्यंजन के साथ जब मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण व्यंजन के साथ ही किया जाता है। जैसे अगर हमने म के साथ ए की मात्रा लगाई तो हम क्या बोलेंगे, मे। हमने मात्रा को व्यंजन के साथ ही बोला है। जैसे अगर थ में हम ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, थी। तो व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा लगाने से हम उन दोनों का एक साथ उच्चारण करते हैं। अब आगे देखिए, सोचिए और खोजिए। प्रत्येक व्यंजन में री की मात्रा लगाकर शब्द शुरू होता है या नहीं, बताइए। क्या री की मात्रा हर एक व्यंजन में लगाएं तो क्या कोई शब्द बनेगा, नहीं। री की मात्रा हर एक व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती क्योंकि इससे कोई शब्द नहीं बनता। जिस जिस से शुरू होता है उनके शब्द लिखिए। तो सोचिए किन किन वर्णों के साथ री की मात्रा लगाई जाती है और शब्द बनता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ग, ग के साथ री की मात्रा लगाइए तो क्या बनेगा, गृही। माँ के साथ री की मात्रा लगाइए, मृग। क के साथ री की मात्रा लगाने से कौन सा शब्द बनाएंगे हम, कृपा। व के साथ री की मात्रा लगाने से वृथा। इस तरह कुछ व्यंजनों के साथ री की मात्रा लगाकर हम शब्द शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन के साथ री की मात्रा लगाने से शब्द नहीं बनते। आप बारी है सुलेख लिखने की। आप हिंदी लेखन अभ्यास की पुस्तिका ले लीजिए। हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ सुलेख करेंगे। ये देखिए, ये है पेज नंबर 4। इस पर पहला शब्द दिया हुआ है संलग्न। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सुलेख ब्लू लाइंस के बीच में लिखेंगे, देखिए स स के बाद
बिंदी, ल, फिर आधा ग, न, संलग्न। देखिए आपको कोई भी अक्षर ब्लू लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 11 है, आधा ग, य, आ की मात्रा, र, ह, ह बनाने के लिए छोटी सी लाइन और उसको इस तरह घुमाते हुए ह बनाएंगे, 11 है। अगला शब्द है शीघ्र, श, बड़ी की मात्रा, घ, और ये देखिए यहां पर आप र बनाएंगे, शीघ्र। कर्म, क, म, और म के ऊपर र, कर्म। इस तरह आप अपनी हैंड राइटिंग का और अक्षरों की बनावट का ध्यान रखते हुए यह पेज कंप्लीट करेंगे। पहले आप डॉटेड लाइन पे लिखेंगे और उसके बाद जो लाइंस दी हुई हैं उन पर ब्लू लाइन के बीच में हर एक शब्द बनाएंगे। अब आज का गृह कार्य सुनिए। पेज 12 पर दिया गया अभ्यास कार्य करें। आपने हिंदी ग्रामर की बुक में पेज नंबर 12 पर जो बुकवर्क दिया हुआ है आपने वह बुक में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बुकवर्क करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।